अगर आप आ रहे हो तकसीम स्ट्रीट पर तो हाफिज मुस्तफा पे आना मत भूलिए। तकसीम स्क्वायर घूमने के बाद जब आप इस्तिगाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ेंगे तो जो स्वीट्स की जो छोटी मोटी तो बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जो सबसे बड़ी दुकान मिलेगी, जो सबसे फेमस दुकान मिलेगी वो होगी हाजी मुस्तफ़ा। आप जाएंगे तो वैसे ही वहाँ के माहौल देख के आपको लग जाएगा भाई ये कोई ख़ास दुकान है। और हम लोग जब यहाँ पे एंट्री किए तो भाई हम लोग को मुझे पर्सनली जो है कई लोगों को गिफ्ट करना था, कई लोगों ने बोला था कि भाई बकलावा वहाँ से लेते आना, तो हमने जो है वो सोचा कि भाई क्यों ना 250-250 ग्राम ले लिया जाए। तो फिर जब पता किया तो बोले कि वो 250-250 ग्राम जो है हम लोग नहीं देते हैं, मिनिमम जो है हाफ के जी हम लोग पैक करते हैं। मतलब इतनी भीड़ होती है ना कि वो छोटा जो आपको अमाउंट है वो दे नहीं पाते, अमाउंट का छोटा वेट आपको दे नहीं पाते हैं। लेकिन ये है कि आपको इतनी वैरायटी यहाँ पे डिज़र्ट्स की मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे भाई क्या क्या लें, भाई कितना ले सकते हो। दूसरी फिर जब यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी व्हीलिंग कराने में तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर बाद आके लेते, तो फिर उससे पूछा कि भाई कितनी देर तक खुला रहेगा, थोड़ी देर बाद हम लोग 1-2 घंटे बाद आए तो चलेगा क्या काम। तो बोला फुल ओवरनाइट पूरा डे मतलब 24 आवर जो है ये ओपन रहता था। आप जब मन करे 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब मन करे तब बजे, तो आप सोच सकते हो कि क्या लेवल है इसके यहाँ के फेमस होने का और यहाँ पे भीड़ भाड़ और नाइट लाइफ का क्या लेवल है। अंदर आपको 500 रुपीज़ केजी से लेके आपको 30,000 रुपीज़ केजी तक के जो है आपको स्वीट्स मिल जाएंगे। और अभी चलते हैं कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ चखते हैं और फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पे भीड़ देखो भाई क्या लेवल की भीड़। और यहाँ की जो स्ट्रीट है जिसको इस्तिगाल स्ट्रीट बोलते हैं, इस स्ट्रीट के बीच में जो है वो ट्राम ट्रेन की पटरी है और काफ़ी चौड़ी स्ट्रीट है। और दूसरी यह है कि भाई जैसे डायरेक्शन का यहाँ पे फेयर है, जैसे हम लोग राइट साइड चलते हैं जब हम लोग वॉक करते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं, ये लोग राइट साइड चलते हैं, तो उस डायरेक्शन की वजह से भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन भाई जो माहौल रहता है ना वो जैसे लगता है कि मेला है, वो पूरा का पूरा जो है एक मतलब पोस्ट क्वालिटी का जो है मेला है। बहुत सारे आउटलेट डाइनिंग शॉपिंग के लिए तो भाई परफेक्ट जगह है। कॉस्ट अगर देखा जाए तो कॉस्ट एज मच अगर इंडिया में भी किसी अच्छे लोकेशन पे आप जा रहे हैं, जैसे आप मनाली जाते हो दार्जिलिंग जाते हो तो उन्हीं के आसपास कॉस्ट है। कॉस्ट ऐसा जो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा कन्वर्जन करेंगे तो आप। लेकिन जो माहौल मिलता है वो अल्टीमेट है भाई, उसको डिफाइन करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो आपको खाने पीने की चीज़ें भर भर के मिलेंगी और खाने पीने के चीज़ों के साथ साथ आपको भीड़ भाड़ तो पूछो मत, नेक्स्ट लेवल वाली आपको भीड़ भाड़ मिलेगी। अभी जैसे कैमरे में आपको उस तरह नहीं दिखाई देगा क्योंकि जब आप ऊपर से देखते हैं तब असली आपको भीड़ भाड़ का नज़ारा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे और इवन जो है ढंग के जो है शोरूम वो मिल जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके जो है वो स्ट्रीट फूड चखते हुए धीरे 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 टहलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे जो है साइड साइड में आपको रास्ता निकला हुआ दिख जाएगा। और इसी स्ट्रीट पर जब आगे जाएंगे तो काफ़ी सारे इसके ट्रिब्यूटरी मिलेंगे आपको। अब उस ट्रिब्यूटरी में जो दुकानें हैं वो अलग अलग जो है वो कल्चर की आपको मिलेंगी। कुछ जो है दुकानें जो हैं वो केवल आपको अरेबियन कल्चर की मिलेंगी, कुछ रशियन कल्चर की मिलेंगी, कुछ जो स्ट्रीट होगी उस पर केवल और केवल आपको नाइट लाइफ मिलेगा। तो हम लोग भी घूटते जूटते भाई अपने को, क्योंकि 2 दिन से हम लोग यहाँ पे केवल और केवल 2 दिन से मतलब 3 टाइम से डिनर लंच ब्रेकफास्ट वो जो है टर्किस करते करते हम लोग बोर हो गए थे। तो ये हुआ कि अब इंडियन डिश अपने को चाहिए, इंडियन खाना चाहिए, बढ़िया सादा खाना वेज वाला। तो फिर हम लोग ढूंढना शुरू करे, फिर यहाँ पे दिल्ली दरबार मिला, कराची दरबार मिला, वहाँ पे जाकर हम लोग टेस्ट किए। लेकिन भाई मतलब यहाँ पे जो मतलब जितने इंडियन फूड हैं, जितने इंडियन रेस्टोरेंट नाम से हैं ना, वो सब पाकिस्तानी है एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तान का लैंग्वेज और इंडिया का लैंग्वेज जो लगभग लगभग सेम होता है तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे इंडियन कोई बिजनेस करते ऐसा हम लोग को नहीं मिला, हम लोग काफ़ी ढूंढे। ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब इंडियन से ही मिलना था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये है कि इंडियन फूड का टेस्ट भाई जो समझ में आता, जो डेली खाते हो वो आपको समझ में आता। भाई पाकिस्तानी फूड नो डाउट अच्छा होता है लेकिन डिफरेंस तो आपको मिल जाएगा, वो रेगुलर यूज नहीं कर, रेगुलर आप
उसको ले नहीं रहे हो तो आपको वो चीज़ नहीं आती, उसमें साल्ट और चिली ये सब का जो वो अमाउंट होता है ना वो कुछ अलग होता है। तो थोड़ा सा ये हम लोग को निराशा मिले कि भाई काफ़ी मेहनत पहले गूगल पे सर्च करके फिर स्ट्रीट पे काफ़ी जगह पूछ पूछ के हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि वो एक्चुअली इंडियन के डिश तो सर्व करते हैं लेकिन जो फ्लेवर होता है वो क्योंकि उनके सेफ जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं तो उस हिसाब से जो है आपको पाकिस्तानी फ्लेवर आपको मिलेगा वहाँ पे। गाल स्ट्रीट पे आप जब घूमना शुरू करते हैं तो जो रौनक आपको दिखती है आप बिल्कुल जो भौचक के रह जाते हो, क्योंकि आपको जो हम लोग का जो इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश इन सब वाला जो फेस होता है ना जो थोड़ा सा डार्कनेस होती है वो आपको नहीं दिखेगी, बिल्कुल जो है वो एक्सट्रीम वाले वाइट लोग यहाँ पे दिखेंगे। और जब दुकानों पे आप जाएंगे ना तो हर दुकान इतनी सजी रहती है ना कि आप उसके बाद जब जाएंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसके आगे का जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है आप देखेंगे वो इससे कहीं ज़्यादा जो है वो खूबसूरत होगा। तो हर जगह जो है आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और जो आप देखेंगे ना कि भाई क्या क्या मतलब जो भी आप चाहो यहाँ पे नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहो, आप पूरी रात अगर घूमना चाह रहे हो तो आप पूरी रात घूम सकते हो। स्कैम नहीं होंगे, नहीं डेवलप है, नो डाउट डेवलप है, लेकिन यहाँ पे स्कैम भी भर भर के होते हैं, कई तरह के स्कैम होते हैं यहाँ पे। जब भी आप आए तो आप कोशिश करो कि सॉरी यहाँ पर जब भी आए तो आप कोशिश करें कि जो भी काम करें वो ऑथराइज्ड जो शॉप हैं, ऑथराइज जो स्टोर हैं या फिर जो टैक्सी है, जो ऑथराइज टैक्सी है उसी से आप कांटेक्ट करें, आप अनजाने में किसी से कांटेक्ट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको फ्रॉड और स्कैम देखने को मिल सकता है। टैक्सी से रिलेटेड कोई सामान कोई बेच रहा है उससे रिलेटेड, इवन फूड का कोई मतलब स्टोर है और आप देखेंगे कि आप फॉरेनर हो यहाँ के नहीं हो तो वो रेट कितना हाइक कर देंगे आपको पता भी नहीं है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पे बेगर्स भर भर के मिलेंगे और मोस्टली फीमेल्स, आप कहीं भी खड़े हो थोड़ी देर तक खड़े हो जाओ और अगर लगा उनको कि भाई ये यहाँ का बंदा नहीं है तो बेगर्स आपके पास आ जाएंगे और आपको परेशान करना शुरू कर देंगे, तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलेगी। हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो इसके पहले इन सब मुझे नहीं लगा था कि भाई ऐसा यहाँ पर होगा इस्तांबुल में, नो डाउट डेवलप है लेकिन ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। अगर आप नाइट लाइफ के शौकीन हो भाई तो मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे पूरी रात रौनक रहती है। इवन मैं रात में इंडियन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो मैं रात में यहाँ पे 3:30-4 बजे तक टहल रहा था और जो माहौल था ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई माहौल अभी ख़त्म होने वाला, माहौल ऐसा था कि कब तक चलेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, पूरी रात यहाँ का माहौल जो है नाइट लाइफ वाला, पार्टी वाला, डिस्को वाला, बार वाला ये माहौल है। और बाकी भाई अगर आप उसमें यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं तो नो डाउट मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे आपको पूरी रौनक मिलेगी और जो जैसा आपका वो है टेस्ट है वो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन जितना का पूरे के पूरे इस्तांबुल में देखा जाए तो ये वाला जो इस्तिगाल स्ट्रीट है यहाँ पर ही ये माहौल ज़्यादा मिलेगा। हम लोग बिसफोरस की तरफ जब गए थे तो वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी, इसी तरह स्ट्रीट पे रौनक थी, लेकिन काफ़ी टाइम तक अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम तक वो नहीं रहता था, 11-12 बजे तक रौनक रहती थी वहाँ पर, लेकिन 11-12 बजे के बाद धीरे धीरे जो है रौनक वो ख़त्म हो जाती थी, भीड़ भाड़ ख़त्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर इस्तिगाल स्ट्रीट पर जो भीड़ है वो पूरी रात रहती है। और कुछ दुकानें तो भाई पूरी रात खुली रहती हैं, अगर आप मतलब टेंशन नहीं कि भाई 9, 10, 11, 12 बजे बंद हो जाएगी, आप लेट हो गए, आप रात में 2 बजे उठ रहे हो, आपको ज़रूरत है आप निकलो इस्तिगाल स्ट्रीट पे आओ, मस्त मौज करो, घूमो फिरो। और आप टाइम कैसे कट जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ का माहौल जो होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं सबके हाथ में जो है वो शॉपिंग का बैग आपको दिखेगा और सब जो है एकदम फ्रेश माइंड से केवल घूमने के लिए आते हैं, हम्बल हैं, तो इसके वजह से आपको मज़ा आएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कोई आपको चीट करने के लिए वहाँ पे बैठा, सब फॉरेनर हैं, सब डिसेंट हैं, सब घूमने आए हैं, सब इंजॉय करने आए हैं, तो आप वहाँ पे बेहतर तरीके से इंजॉय कर पाते हो। अगर इंडियन टाइम की बात किया जाए तो 1 बज गए हैं और इस्तांबुल के टाइम की बात किया जाए तो अभी 10:45 हुए हैं, तो काफ़ी लेट हो गए हैं। और हम लोग फ्लाइट में आए तो काफ़ी सोने को भी नहीं मिला था, पिछली रात हम लोग 4 घंटे बस सोए थे, तो चलते अभी सोते हैं। आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, कल मिलेंगे बिल्कुल फ्रेश वीडियो के साथ और मेरी एनर्जी भी बिल्कुल फ्रेश होगी, क्योंकि आज काफ़ी थके थे तो एनर्जी उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।